हमारा दोस्त हिचाइकिंग करते हुए हमको बुला लिया 4 किलोमीटर। और ये हूँ मैं आपका जीतू। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू ट्रिप टू बोधगया एंड राजगीर एंड सम अदर पार्ट ऑफ द बिहार विद द हेल्प ऑफ दिस माय ब्रदर एंड विथ अस हैव वन फॉरनर गाय। यू कैन लुक दिस गाय, इट्स अ न्यू टी शर्ट। हाउ वाज योर नाइट? इट वाज ग्रेट इन द विलेज। इट्स गुड। यस, इट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस। So now where we are going? Bodhgaya. Yeah. So are you excited? Before starting our trip, we are going to fill the fuel because like human, this vehicle also want food. So here food is the diesel. So right now we are taking a fuel, it's a diesel. In your country diesel is available there? Great. So जैसा कि देख रहे हो अभी मैं एक पेट्रोल पंप पे आया हूँ और ये जो पेट्रोल पंप है ये NH-30 पे है और अगर मैं अपने घर के बात करूँ तो मेरे घर से अप्रोक्स 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और हम लोग यहाँ से अपने इस गाड़ी को फुल करने जा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हो डीजल हम लोग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2180 रुपये का डीजल हम लोगों ने अभी यहाँ पे लिया है। 109 किलोमीटर। थैंक यू NH डिवीजन पटना, यू कैन रीड इन इंग्लिश। ओके, तो हम लोग गया जा रहे हैं और अभी हम लोग हैं जो कि लगभग नियर बाई बस स्टैंड के पास है जो पुरानी वाली थी और मैं आपको दिखा रहा हूँ फोर्ड का सर्विस सेंटर और कार सेल पॉइंट। और ये मैं आपको थोड़ा सा मानचित्र दिखा देता हूँ, ये हमारा रोड का जो डायरेक्शन है ये आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे अनिसाबाद पटना के लिए इधर से जाना है और अभी हम लोग NH-30 पे हैं। आर गोइंग बाई दिस वे पुनपुन 10 किलोमीटर, मसौरी 28 किलोमीटर, जहानाबाद 45, गया 93 किलोमीटर। इज स्कूल बसंतली गणपति, दिस इज ऑल्सो इन पटना। इन दिस वीडियोज माई सर इज देयर। ओवरऑल ही इज माई गॉड टूडे बिकॉज ही इज सिटिंग इन द स्टेयरिंग। आपको मैं भगवान बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ नैया पार कराने वाले दाता हो। तो आप हमारे मिल लीजिए भगवान जी से जो आज हम लोग को सही सही जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वाले हैं। और पीछे मिल लीजिए हमारे मित्र लोग हैं और एक हमारे मित्र सो गए हैं शायद। सो टिल दैट यू स्टे ट्यून्ड, वी विल कैच यू समवेयर इफ वी फाइंड समथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस वे। आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल व्यूज आ रहा है। एक्चुअली हम लोग जो है अभी मेन रोड से नहीं है, ये एक साइड रोड है उससे हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली इन पटना वी हैव अ 4 रिवर, सो दिस इज वन ऑफ देम। इट इज स्मॉल बट इट इज ऑल्सो अ रिवर, इट्स अ पुनपुन रिवर। द सिनेरियो ऑफ व्यूज, हम लोग भोजपुरी अपना संस्कृति का गाना सुनते हुए रास्ते में चल पड़े हैं एक अनजान मंजिल की ओर। मी हम हमारे मित्रगण सब हैं, देख रहे हो लोकेशन कितना अच्छा है और हमारे भैया जी एकदम मस्ती में चला रहे हैं दिल खोल के कंट्रोल रखते हुए। एंड हियर आई एम योर जीतू, दिस इज द तरेगना रेलवे स्टेशन। दिस तरेगना वी कैन कॉल अ मसौरी ऑल्सो। सो राइट नाउ वी आर इन मसौरी एंड फ्रॉम हेयर आवर डेस्टिनेशन 66 किलोमीटर। This road we call NH. NH, N, N, N for National and H is means highway, National Highway. For repairing, it do by the central government. It's not by a state government. Got it? So this is like that. And right now we are not in Patna. We left Patna. This is the Jahanabad. Another city we enter. बाहर नहीं जाएगा, बाहर लगा के भोजपुरी गाने का आनंद लेते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हो। और ये हमारा बिहार है। जहानाबाद सिटी, That was the main city of Bihar, capital. This one is the small city like Varanasi in Bihar. So right now we are stopping here for take some snacks. And just now I opened door and weather is too hot. I feel like that's
लाइक आई एम गोइंग टू बी बर्न हेयर। आप कैसा महसूस कर रहे हो बॉस? एसी से निकलने के बाद बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ ये तो है। और अभी जैसा कि आप देख रहे हो अभी हम लोग जहानाबाद में हैं। वी यूजिंग अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सो हाउज यू फीलिंग हेयर लाइक वेदर? It's hot, no? Inside the vehicles, you feeling cold, right? Yes. This one is the another city in Bihar. This city name is the Jehanabad. What you call? Jehanabad. Yes. So let's, we have to take some snaps. आप देख रहे हो अभी हम लोग जहानाबाद में हैं और यहाँ से हम लोग एक बर्गर लेने वाले हैं। So you like burger, right? Correct. Okay. Look, my friend is clicking a picture with the Tata. He is thinking it's a Tata's brand. And I told, yeah, it's the Tata brand. Yeah, it's of course it's the Tata brand. That's why he keeping, right? You have to be take, no problem. So my both friends are eating. How's it? Spicy? Okay. Do you like this taste or not? It's good, yeah. So आप देख रहे हैं हमारा एक दोस्त है और हमारा ये भी दोस्त है, ये दोनों मोमोज खा रहा है। Now you have to be speak something in Spanish. Estos son momos, son muy clásicos en India. Tienen diferentes tipos, al vapor. Entonces son suaves y estos son con vegetales adentro. También se pueden freír. Y también hay con pollo, con queso, y les ponen salsita al lado, ketchup o catsup, y una salsita, no sé de qué sea, pero una salsita india. तो चलिए थोड़ा सा हम भी एक खा के देख लेते हैं कैसा है। Now it's my turn. How is it? It's running, right? So this is the momos. It's made in Darjeeling and Nepal, and we are using in Bihar. So I'm going to take. How's it? Yeah, it's good because its taste is little sweet. It's not like that in. Because of the ketchup. No, no. Yeah, not like that. Are you salty, right? Yeah, there is the salty, but it's good for me. You eat. I don't want. I don't like this cheese. So now, how was your night yesterday? When you are in Delhi, people are asking about the Biharis. They are very criminal like that. So now, how you feeling here? Yes, yeah, now total of uh huh. For real? Okay. They told me that yeah, a lot of bad things happen here in Bihar. Yeah. But no, since now everything has been okay with the people, like this guy, like you. So these are the rumors, right? Like Biharis are not good and that. So now you have to feel because you are presently present in the Bihar, right? Now this is the land of Bihar, right? Yes. And in opposite side, this is the Bihari. Even I am the Bihari. So now you are feeling comfortable with us? Yeah, totally. Yeah. But that happens when in the news someone tells you something. But maybe it's not true. You have to be in the place to to realize that it's. It's not like that. You have to live it by yourself and experience it by yourself, and then you get to know the reality. Let's and be move and talk because we have to be go a little bit farther. Now say. The reality is it's nice. Yeah. India is good. So are you happy? Yeah. Oh, so I'm your small brother, not friend. Okay. Keep in your mind. When I am in Mexico, you have to be treated like that. I'm your small brother. Okay. So come. I'm opening for you. Go. Namaste. Yeah. Namaste. Yeah. तो अभी आप देख रहे थे इसको दिल्ली में कुछ लोगों ने बोला कि बिहारी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो मैं इससे इसका रिव्यू पूछ रहा था कि एक्चुअली में बिहारी होते कैसे हैं। तो इसने बताया कि टोटली अपोजिट होते हैं। तो हमें अच्छा लगा। तो अगर आपको बिहार को समझना है, बिहार को फील करना है, तो इसके लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। घर बैठे बैठे ये नहीं पता चलेगा कि कोई भी जगह कैसा होता है और क्या होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ फिलहाल अभी तक इतना ही। अब हम लोग जहानाबाद को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं और निकल रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। टिल दैट आप गाना सुनाते हैं आपको भोजपुरी का। तो आप देख रहे हो कितना ही सुंदर लोकेशन है, लोग क्या क्या बोलते हैं। ये हमारा बिहार है भाई। फर्स्ट आई प्लान टू एक्सप्लोर माई बिहार, देन आई हैव टू बी मूव फ्रॉम अदर कंट्री। करेक्ट? या Oh, there is no train? Cargo. I know new things from my friend. In Mexico, there is no public transport like a train, and everything is available in road. No train is there. Now we are listening a
स्पेनिश सॉन्ग इन द डिमांड ऑफ माय फ्रेंड. एक्चुअली आई प्ले इन माय चॉइस बिकॉज आई आस्क बिकॉज यू आर आल्सो हियर राइट. दैट्स व्हाई आई आस्क कैन आई प्ले स्पेनिश. इट्स माय चॉइस बिकॉज यू आर हियर राइट. दैट्स व्हाई आई प्ले. नाउ यू एंजॉय दिस सॉन्ग. And my friend is enjoying their country song. And also, I am also enjoying because I like this song. 40 kilometer yahan se Mahabodhi, 47 kilometer. You have to be tested because you are lucky because you are going to be eat this guava in the farm, not in the market. Yeah. Okay. मेरे पास 2 रुपया है और मैं अपना दोस्त से मांग कर ये दे रहा हूँ. जैसा कि आप देख रहे हो ये बहुत मांग रही है. क्यों मांग रही हो पहले बताओ. क्यों चाहिए तुमको. लो. जब मैंने उससे पूछा क्यों चाहिए तो उसने बताया नहीं, पर उसके फेस से ऐसा लग रहा है कि कोई और है जिसको चाहिए उसको ना चाहिए. वो तो भी बस फूट चाहिए उसको. We are using map to reach our destination. Pond. You can read there. Pond. Vetrani Pond. सीधा था ना बोल गया. सीधा चल. ये सब घुस गए हैं बोल गया. सो ये जो आप सामने देख रहे हो ये मेटा टेम्पल है. अभी रात का समय है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लॉकडाउन का समय है और बोध गया में सारा जो टेम्पल है वो बंद पड़ा है. ये रात का दृश्य है. कितना ही अच्छा और ब्यूटीफुल लग रहा है ये आप देख सकते हो. और सामने आप देख रहे हो बुद्ध भगवान का स्टैचू है. पर मंदिर खुला नहीं है तो आप देख सकते हो ये हम हैं और ये हमारा मित्र है. कुछ नहीं थोड़ा बुरा लग रहा है देखने के बाद आए थे दूर से खाने को नहीं मिला अंदर. We came here so far from Patna to Bodh Gaya, which is rich, and we found that the temple is closed. Most of the temples are closed because of lockdown, Corona. It's sad because it's a very famous place. We have a lot of temples here, and I think it's worth it to be inside, but sadly we cannot get it back. तो आप जो अभी ये देख रहे हो ये मेटा टेम्पल है. तो मैं यहाँ पे रात में आया था तो रात में तो जो था बहुत ही अच्छा था, पर अभी जो है उतना खास नहीं नज़र आ रहा है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है. और आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे थाई लैंग्वेज भी लिखा हुआ है. ओवरऑल जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छा रहा. लॉकडाउन में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ बंद था तो और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं. तो जो भी था ठीक था. ये आप देख रहे हो यहाँ हम लोग चेक करने आए हैं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे. रूम देख के बताते हैं. अच्छा रूम तो ठीक है. पाको इज हियर. ही इज ओके. Right now we are in Gaya and now we are taking this tea in one small shop and it's very delicious and pure.